नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र के 4 दिवसीय दौरे के दौरान मुंबई के राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि लता दीदी के गीत अमर है, जो संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनका जाना पूरे देश के लिए व्यक्तिगत क्षति है। आपको बता दें कि जिस दरबार हॉल का राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया, उसमें 750 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस हॉल का उद्घाटन पिछले साल ही होना था, लेकिन उसी दिन CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया, जिस कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। वहीं महाराष्ट्र के 4 दिवसीय दौरे के बाद राष्ट्रपति 13 फरवरी को हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे रामानुज मिलेनियम सेलिब्रेशन में शामिल होंगे और राष्ट्रपति हैदराबाद में रामानुजाचार्य की स्वर्ण प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।